हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइजब्लू। मैं हूँ टीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मार्केट ट्रेंड एंड द मार्केट रेंज। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल आज गैप डाउन में ओपन हुआ, जो रेंज था उसको ब्रेकआउट हुआ, तो आज पिवट पॉइंट 4908 फर्स्ट रेजिस्टेंस 4940, सेकेंड रेजिस्टेंस 4994 एंड थर्ड 5029 एंड द फर्स्ट सपोर्ट 4857, second support 4822 and the third support 4771. तो ये देख सकते हैं बैंक का क्रूड ऑयल डेली चार्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमने रेंज बनाया था एक थोड़ा 4 आवर में, हाँ 4 आवर या 1 आवर में हमें आएगा ये, हाँ यहाँ पे जो हमें एक रेंज बना के रखा था, राइट, यहाँ पे तो एक रेंज बनाया था। तो आज देख सकते हैं ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ। तो कल जैसे मैंने बताया था आपको ये रेंज में ट्रेडिंग करना है, तो ऊपर में जो एक रेंज बना के दिया था, मतलब यही से, तो मैंने एक रेंज मार्केट नीचे आ रहा था, तो कल मैंने एक रेंज आपको जब मार्केट ये खुला था तो अभी बताया था। तो मतलब ये जो लोअर पॉइंट होता है, जैसे ये सपोर्टिंग रेंज सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो जो कल आपको जहाँ यहाँ मिला था सपोर्ट में, इसको आपको बाय करने के लिए बोला, और ये जो रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस में आपको सेल करने के लिए बोला था, राइट, ये रेजिस्टेंस लाइन। तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला कहाँ पे, ये 100 मूविंग एवरेज के आसपास, तो मार्केट नीचे आ गया। तो आज देख सकते हैं ये टोटली गैप डाउन में ओपन हुआ है। तो आज देखेंगे हम मार्केट क्या होने वाला है, उसका ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम डेली में देखें, तो डेली में हमें एक क्या मिला, यहाँ पे एक नेक्स्ट सपोर्टिंग रेंज मिला कहाँ पे, ये 150 मूविंग एवरेज एक सपोर्टिंग रेंज बना के रखा हुआ है कहाँ पे, 4770 में, राइट। और वीकली में भी देख सकता है, वीकली में एक सपोर्टिंग रेंज, लेकिन वीकली ये 20 मूविंग एवरेज उसको तो ब्रेकआउट किया, तो देखना पड़ेगा अभी ये कहाँ नीचे तो करना है। तो हमें एक दो सपोर्टिंग रेंज मिला यहाँ पे 200 और 150, राइट, 200 और 150 के आसपास हमें एक सपोर्टिंग रेंज मिला यहाँ पे तो जो ट्रेडिंग करेंगे हम यही रेंज में करेंगे अभी आज के लिए, मतलब ट्रेडिंग करेंगे तो ये 4860 और 4770 में करेंगे। तो 4 आवर में देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक मैंने रेजिस्टेंस लाइन, पहले वो सपोर्टिंग लाइन था, वो एक रेजिस्टेंस लाइन बन गया यहाँ पे। तो हम छोटा टाइम फ्रेम में देखें, तो छोटा टाइम फ्रेम जैसे आप 15 मिनट, राइट, 15 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट टोटली डाउन में है। तो लेकिन अब भी आपको एंट्री नहीं करना है, क्योंकि मार्केट सडनली कभी करेक्शन देके ऊपर चला जाता है, तो जब ऊपर में करेक्शन देके कंप्लीट करेगा, बाद में थोड़ा सेल सिग्नल आएगा, उसमें हम सेल जा सकता है, राइट। और आप 30 मिनट में देखे, तो 30 मिनट में आप देख सकते हैं ये रेंज को तोड़ के नीचे आ रहा है, लेकिन ये मूविंग एवरेज के ज़्यादा लंबा दूर में आ गया, तो यहाँ पे आपको सेल अभी नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक बात होता है, डोंट कैच इन फॉलिंग नाइफ, वो प्राइस ज़्यादा नीचे आ गया तो इसमें आप कैच करेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। अगर हमें रेंज अराउंड 4860 में सेल का कोई सिग्नल मिलेगा तो हम सेल में जा सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।